के इस भीषण काल में बहुत से लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया। कुछ परिवारों को सबसे गहरी क्षति जब पहुंची जब उन्होंने अपने घर के इकलौते कमाने वाले सदस्य को खो दिया। वहीं कुछ बच्चों पर इस कोरोना ने अपना कहर इस तरह बरपाया कि उनके सर से माँ बाप का साया ही छीन दिया। इसी को देखते हुए सांसद शंकर लालवानी ने एक अनूठी पहल की है और सांसद सेवा प्रकल्प संकल्प के तहत ऐसे बच्चों और महिलाओं की मदद करने की ठानी है जिन्हें सहायता की ज़रूरत है। सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि ऐसे 82 प्रकरण सामने आए हैं जहां कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें उसी स्कूल में पढ़ना है जिसमें वो पढ़ते आए हैं, लेकिन आर्थिक परेशानी के चलते उनका इन स्कूलों में पढ़ पाना मुश्किल हो रहा है। साथ ही ऐसी महिलाएं जो आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, जिन्हें कुछ काम आते हैं, एनजीओ की ओर से उन्हें सहायता भी दी जाएंगी। तो वहीं बच्चों की सहायता के लिए स्कूलों से बात की जा रही है और सांसद और कुछ सामाजिक संगठनों की ओर से बच्चों की साल भर तक की स्कूल फीस की व्यवस्था की जा रही है और स्कूलों से भी इस मुद्दे पर बात की जा रही है और आगे भी बच्चों की सहायता के लिए कोशिश जारी है। इस सहायता के लिए सांसद की ओर से 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है जहां आर्थिक संकट झेल रहे परिवारों की समस्या सुनकर उसे सुलझाने की कोशिश की जा रही है। सुनिए क्या कह रहे हैं सांसद शंकर लालवानी। कोविड के दौरान बहुत सारे परिवारों का साया उठ गया, खास करके उन परिवारों से जिनके अर्निंग मेंबर इस कोविड में चले गए। और जब हम समाज में लोगों से मिलते हैं तो इस प्रकार की परेशानी समय समय पर बताते हैं। केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने योजना चलाई है, उसके अलावा भी कुछ लोग ऐसे हैं जो शेष बच जाते हैं और उनको अगर इस प्रकार समस्या आ रही तो सांसद सेवा संकल्प द्वारा हम प्रयास कर रहे हैं कि उन बच्चों को उसी स्कूल में, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है कि बच्चे उसी स्कूल में पढ़ना चाह रहे हैं जिस स्कूल में पहले पढ़ते थे। अब चाहे उनके परिवार में जो कमाने वाला है वो नहीं रहा, और कभी ये भी देखने में आया कि परिवार के दो दो पुरुष चले गए और दोनों महिलाएं रह गई और बच्चे रह गए। तो ऐसे जो प्रकरण हैं वो लगातार 182 प्रकरण को लाए हैं। अधिकांश स्कूल के हैं और कुछ कोचिंग क्लास के हैं, कुछ कॉलेज के हैं। आज हमने उनको बुलाया था बातचीत के लिए और उनसे बातचीत की है और उनसे जानना चाहा कि आप कहाँ पढ़ना चाहते हैं, क्या स्थिति है और क्या मदद चाहिए। और आज और कल 2 दिन लगातार हम इस पर बैठेंगे और एक सूची बनाकर इसमें किस प्रकार हम उनकी मदद कर सकते हैं। और ये मदद 2 तरह से हो रही है, एक तो समाज के कुछ लोग मदद कर रहे हैं, वो समाज के जो लोग हैं सामाजिक संगठन एनजीओ या इंडिविजुअल लेवल पे वो मदद कर रहे हैं, और दूसरा हमने अपेक्षा ये भी रखेंगे स्कूल से कि वो इस प्रकार के प्रकरणों में फीस की कंसेशन भी करें। और मुझे लगता है कि स्कूल वालों से जो प्रारंभिक चर्चा हुई उसमें सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं और समाज भी इसके लिए सहायता करने के लिए तैयार है। और हमने आज वो महिलाएं जो कुछ करना चाहती हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहती है, उनके लिए भी हमने यहाँ बातचीत की कि अगर किसी को कुछ घर में सिखाना हो तो हमने हमारा एक एनजीओ है उसके माध्यम से वो घर में कपड़े सिल सकती हैं, कुछ बना सकती हैं, अन्य जो उनकी रुचि का विषय हो वो भी हम उनको घर में सिखाएंगे ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी रहे। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।